Good morning, fourth standard students. How are you all? I hope you all are fine and you will enjoy your vacation. Hai na bachcho, bahut masti ki hogi na? Your very long vacation, and now we will back to our studies. Okay, today I'll start 6th unit ka first chapter, Hiawatha. H-I-A-W-A-T-H-A, Hiawatha. ये जो स्टोरी है ये एक रेड इंडियन बॉय की स्टोरी है, मतलब एक आदिवासी प्रजाति जो होती है उसको हम रेड इंडियन बॉय, रेड इंडियंस कहते हैं. तो उसका नाम है हाइवाथा, उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके चिल्ड्रंस, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. हाइवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हाइवाथा जो था एक यंग रेड इंडियन बॉय था. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ बिग वैन. वो अपनी दादी के साथ, जिनका नाम नोकोमिस था, वो विग वैम में रहता था. विग वैम का मतलब होता है अ क्रोनिकल शेप ऑफ हट, झोपड़ी. इसको ऐसे डोम शेप हट होते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं विग वैम. नोकोमिस टॉल्ड हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. जो हाइवाथा की जो दादी माँ थी नोकोमिस, वो चाहती थी कि बचपन से ही हाइवाथा सब चीज़ों के बारे में सीख जाए. जो भी जितनी भी ऑल हमारे पास आजू बाजू जितने भी वंडर्स हैं उनके बारे में उनको पता रहना चाहिए. जैसे स्टार्स हैं, ट्रीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं एंड एनिमल्स एंड मोर, और भी अदर जो थिंग्स हैं उनके बारे में उसे पता होना चाहिए. तो उसकी दादी माँ ने उसको सब कुछ सिखाया था बचपन से ही. अब वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था. हाइवाथा ग्रो अप टू लव देम ऑल. और जैसे जैसे हाइवाथा बड़ा होता गया, वो इन सब चीज़ों के को उसको बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत उनको पसंद करने लगा. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. और वो उन एनिमल्स और बर्ड्स के साथ बातें किया करता था, उनके क्वेश्चंस के आंसर देता था, और वापस वो लोग भी उसके साथ बातें किया करते थे. इट्स अ वंडर, यू नो, है ना चलो बच्चों. देन द लिटिल हाइवाथा लर्न टू एवरी बर्ड्स वर्ड इट्स लैंग्वेज. और उसके बाद क्या हुआ कि हाइवाथा जो था सभी बर्ड्स की लैंग्वेज समझने लग रहा था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. वो उनके नाम पता चल गए थे उसको कि किसको क्या बुलाते हैं, और उनके सीक्रेट्स भी उसको पता चलने लगे थे. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. वो अपना नेस्ट जो है वो गर्मियों में कैसे बनाते हैं वो उसको पता चल गया था. देयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर. और वो खुद को ठंडी की सीज़न में कहाँ पर छुपाते हैं ठंड से बचने के लिए या बर्फबारी से बचने के लिए, वो भी उसे पता चल गया था. टॉक विद देम व्हेन एवर दे मीट देम, कॉल देम हाइवाथा चिकन्स. और जब वो हमेशा जब भी मिलते एक दूसरे से बातें करते और वो उनको हाइवाथा के चिकन्स के नाम से बुलाते थे सब लोग. ऑल ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज. वो बड़े बड़े बिग जानवर, बीट्स मतलब बड़े बिग जानवर जो होते हैं एनिमल्स, उनकी लैंग्वेज को भी समझ गया था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. वो उनके भी नाम और उनके सीक्रेट्स उसको सब पता चल गए थे. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. हाउ द बीवर्स, बीवर्स मतलब होता है एक एम्फीबियस एनिमल्स होता है, उसको हम बोलते हैं ऊद बिलाव हिंदी में. तो वो कैसे अपने लॉजेस बनाता है. वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर एक्रन्स. स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, छोटी सी गिलहरी होती है ना, ऐसे ऐसे करके भागती है. तो वो अपने एक्रन्स मतलब सीड कहाँ छुपा के रखती है. हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली. और रेंडियर मतलब वन टाइप ऑफ डियर होता है रेंडियर, बारा सिंघा जिसको बोलते हैं, इसके सींग बारा सींग होते हैं उसके. वो इतना मतलब बहुत तेजी से कैसे भाग सकता है. व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड. और रैबिट इतना शर्मीला कैसे होता है. टिमिड का मतलब होता है शर्मीला. टॉक विद देम व्हेनेवर दे मीट देम. वो हमेशा जब भी मिलते हमेशा एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे. कॉल देम हाइवाथास ब्रदर. और उनको सब बुलाते थे वो हाइवाथास ब्रदर, मतलब हाइवाथास उनका भाई है. ओके बच्चे, आई होप यू एंजॉय दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीनिंग, कुछ देयर सम हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. विग वैम, आई टोल्ड यू अ डोम शेप और क्रोनिकल हट.
इसको झोपड़ी बोलते हैं वो बीवर्स एंड एम्फीबियस रोडेंट एक जानवर जिसका नाम है उद्विला बिल्ड कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना हिड हाइड छिपना एक्रॉन्स सीड ऑफ फ्रूट्स ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स के सीड्स जो स्क्वेर छुपा के रखती थी अपने लिए जब बहुत ठंडी होती है तब वो उनको खाने में यूज करती है स्विफ्टली क्विकली मतलब जल्दी जल्दी टिमिड शाय मतलब शर्माना एंड वीव्स वीव्स बिग एनिमल्स एंड देन रेनडियर अ काइंड ऑफ डियर एक डियर की एक प्रजाति हम उसको बोलते हैं रेनडियर जिसके 12 सींग होते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द स्टोरी थैंक यू